गुड मॉर्निंग ऑल ट्रेनीज, माई सेल्फ यशवंत कुमार फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज का यह वीडियो सेकंड यूनिट से बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2020-22 के प्रशिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सब्जेक्ट होगा लर्निंग एंड टीचिंग, सब्जेक्ट कोड होगा C3 और टॉपिक है मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी। आज के इस वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण सेकंड यूनिट का है अभिप्रेरणा मोटिवेशन, उस मोटिवेशन के सिद्धांत के प्रतिपादक मैस्लो का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो प्रायः यह विश्वविद्यालय एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और इनका जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत 5 प्रमुख भागों में विभक्त किया है इन्होंने, और इन 5 प्रकारों का विस्तार से अध्ययन भी प्रस्तुत किया है। और यह अध्ययन एक वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने पदानुक्रम, एक पद के अनुक्रम के आधार पर आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से मैस्लो प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुलाइजेशन को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया है और वैज्ञानिक अध्ययन करके एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मैस्लो ने 1954 में मानव अभिप्रेरकों की व्याख्या एक अनुक्रम अर्थात सीढ़ी के रूप में की है, जैसा कि निम्न चित्र या रेखा चित्र द्वारा ये प्रदर्शित किया जा सकता है और ये प्रस्तुत किया गया है। देखें, एक वर्ग के आकार में और उसके अंदर जो एक लेयर स्टेप 5 खंडों में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रति स्टेप पिछले लेयर से या स्टेप से वो आकार में संकीर्ण होती गई है। और इस प्रकार से फर्स्ट से 5वीं आकृति तक अगर हम अवलोकन कर रहे हैं तो यह विदित होता है या प्रतीत होता है, स्पष्ट हो रहा है कि प्रति लेयर पिछले से वो आकार में संकीर्ण है। इस प्रकार से नंबर 1 शारीरिक आवश्यकता, जिसके अंतर्गत मूल रूप से भोजन पानी और सेक्स। सेकंड है सुरक्षा की आवश्यकता। थर्ड है सदस्य होने या स्नेह पाने अथवा देने की आवश्यकता। फोर है सम्मान की आवश्यकता। और लास्ट में जो सबसे छोटी आकृति में सबसे ऊपर संकीर्ण की संरचना को प्रदर्शित कर रही है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। इस प्रकार से एक जो सीढ़ी नुमा ये पदानुक्रम प्रदर्शित किया गया है और इसका हम अवलोकन कर रहे हैं। ठीक, मैस्लो ने 1954 में मानव आवश्यकता या मानव अभिप्रेरकों की व्याख्या एक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं प्रमुख रूप से 5 भागों में विभक्त करके प्रस्तुत किया है, जिसमें से इनका हम विस्तार पूर्वक पहला बिंदु है शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स के संदर्भ में हम अवगत होना चाहेंगे।
तो मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको मैस्लो ने अनुक्रम में सबसे नीचे आता है, जैसा कि रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है, तो शारीरिक आवश्यकताओं जो हम फिजियोलॉजिकल नीड्स में हंगर, भूख, थ्रस्ट, प्यास, काम, सेक्स तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताएं सम्मिलित होती हैं, जिनके अभाव में व्यक्ति का जिंदा रहना या जीवन संभव नहीं है। अतः मैस्लो का कहना है कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, संतुष्टि चाहता है, इसके बाद ही वह अपने अन्य सामाजिक आवश्यकताओं जो सोशल नीड्स हैं के बारे में विचार करता है, सोचता है। इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रथम आवश्यकता है वह है शारीरिक आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है सुरक्षा की आवश्यकता, जैसा ये हो गया और अब आते हैं सुरक्षा की आवश्यकता को। तो सुरक्षा की आवश्यकता के संदर्भ में जिसको कहते हैं सेफ्टी नीड्स, जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसके सामने दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं सुरक्षा की आवश्यकता सेफ्टी नीड्स होती है। सुरक्षा की आवश्यकता में शारीरिक तथा सांवेगिक इमोशनल जो इमोशनल होते हैं, दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाने की आवश्यकता सम्मिलित होती है। इस तरह की आवश्यकता में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के जो डर है, भय है तथा असुरक्षा जो से बचने के लिए कोशिश करता है, प्रयास करता है। जो महत्वपूर्ण सुरक्षा की आवश्यकता सेकंड पदानुक्रम का प्रमुख अंग है इस सिद्धांत का। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में सदस्य होने या स्नेह पाने अथवा स्नेह देने की आवश्यकता। किसी को जब हम सम्मान देंगे स्वाभाविक है तभी स्वयं का सम्मान होगा, अन्यथा सम्मान या रिस्पेक्ट या आदर सत्कार नहीं होगा। नीड टू बिलोंग एंड टू लव, मैस्लो के सिद्धांत में यह तीसरी प्रमुख आवश्यकता प्रदर्शित हो रही है, दिखाई गई है, जो ऊपर बताए गए दोनों आवश्यकताओं की संतुष्ट के बाद उत्पन्न होती है, इसका उदय होता है। इस तरह की आवश्यकता के कारण व्यक्ति परिवार, स्कूल, धर्म, प्रजाति, राजनैतिक पार्टी आदि के साथ जो तादात्म स्थापित करता है, जो संबंध स्थापित करता है, जो संपर्क स्थापित करता है, व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है हम भी अपने समूह के प्रमुख सदस्य हैं। इतना ही नहीं अपितु अपने समूह के अन्य सदस्यों के प्रति स्नेह अफेक्शन दिखलाता है तथा उनसे स्नेह पाने की भी कोशिश करता है, प्रयास करता है, ऐसा अपेक्षा करता है और आशा करता है। इस तरह से व्यक्ति समूह के अन्य सदस्यों के साथ मित्रता स्थापित करता है। और अब नेक्स्ट जो होगा चौथा, सम्मान की आवश्यकता। तो सम्मान की आवश्यकता के अंतर्गत जो अध्ययन होगा, मैस्लो ने अपने इस सिद्धांत में जब ऊपर बताई गई प्रमुख तीन प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है, व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति में सम्मान पाने की आवश्यकता स्टीम नीड उत्पन्न होती है। इस आवश्यकता में आंतरिक सम्मान
कारक इंटरनल एस्टीम जो फैक्टर हैं, जैसे आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, उपलब्धि, अचीवमेंट, स्वायत्तता जिसको ऑटोनॉमी, तथा वाह सम्मान कारक जो एक्सटर्नल एस्टीम फैक्टर हैं, जैसे पद, स्टेटस, कदरदानी, रिकॉग्निशन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट इस सिद्धांत में और अंतिम जो आवश्यकता को प्रदर्शित किया है या उल्लेख किया है, वर्णन किया है, वो होगा आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जो सबसे ऊपरी बिंदु अनुक्रम या पदानुक्रम पर प्रदर्शित किया गया है। मैस्लो ने अपने इस सिद्धांत में आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुलाइजेशन सबसे ऊपरी स्तर की ये आवश्यकता है, जहाँ पर सभी लोग नहीं पहुँच पाते हैं। आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुलाइजेशन एक जटिल संप्रत्यय कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जिसे परिभाषित करना असंभव तो नहीं परंतु जटिल अवश्य है। फिर भी आत्मसिद्धि में मनोवैज्ञानिकों का जो तात्पर्य है, अपने अंदर छिपी क्षमताओं की पहचान करना तथा ठीक ढंग से विकसित डेवलप करने की आवश्यकता से होता है। मॉर्गन, किंग, बिस्ज तथा स्कोपलर ने 1986 में व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को आत्मसिद्धि की संज्ञा दी है, कहा है। दूसरे शब्दों में यदि हम इस संदर्भ में अगर हम व्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों की जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके कारण व्यक्ति में आत्मसिद्धि की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हो पाती और वह हमेशा इससे नीचे स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति या प्राप्ति में ही संतुष्ट करने में लगा रहता है। जिन व्यक्तियों में आत्मसिद्धि पूर्ण होती है उन्हें अपने व्यक्तिगत विकास, जो पर्सनल ग्रोथ, से काफ़ी संतुष्टि होती है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में डर, जो फियर, दुरिस्तता आदि नहीं के बराबर होता है, अतः ऐसे व्यक्तियों में परिस्थितियों का प्रत्यक्षण, परसेप्शन सही होता है। मैस्लो ने 1954 में अपने इन पांच आवश्यकताओं को फिर दो मूल श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसा कि ये प्रस्तुत किया गया है। जो फर्स्ट उपखंड में है, निम्न स्तर की आवश्यकता, तथा सेकंड सब पार्ट में है, उच्च स्तर की आवश्यकता। ये दोनों के अंतर्गत इन्होंने वर्णन किया है और यह स्पष्ट किया है कि पहले में निम्न स्तर के अंतर्गत जो प्रथम तथा द्वितीय स्तर अर्थात शारीरिक आवश्यकता तथा सुरक्षा की आवश्यकता को रखा गया है, तथा सेकंड उच्च स्तर के अंतर्गत तीसरे, चौथे तथा पांचवें स्तर अर्थात सदस्य होने या स्नेह पाने या देने की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता तथा आत्मसिद्धि की आवश्यकता को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से इन्होंने इन पांचों प्रकारों की जो विभाजित आवश्यकताओं का स्तर है, इसे पुनः दो वर्गों में भी विभक्त करके इन्होंने अपने इस सिद्धांत को बाखूबी प्रचलित एवं मानक के आधार पर ज़्यादा शिक्षण के क्षेत्र में
मैस्लो के आत्मसिद्धि सिद्धांत का विवरण और उल्लेख मिलता है। मनोवैज्ञानिकों ने मैस्लो के इस आत्मसिद्धि सिद्धांत को निम्नांकित कारकों के आधार पर इनकी कट आलोचना भी की है, और जिसमें से इनकी आलोचना को हम भी निम्न बिंदुओं के माध्यम से उजागर करना चाहेंगे, जिसमें से फर्स्ट है, मैस्लो ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन वैसे आंकड़ों के आधार पर किया जिसे वह ऊपरी वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों से प्राप्त किया था, अतः उनका यह सिद्धांत दो वर्गों के लोगों के लिए काफ़ी उचित या बहुत ही उनके अनुकूल होगा, परंतु निम्न वर्ग के लोगों या वैसे लोगों जो कम विकसित हैं तथा या गरीब हैं पर लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों की जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं वह कभी पूर्णतः संतुष्ट या उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। सेकंड, इन्होंने अपने सिद्धांत में पूर्ण कल्पना की है कि सभी मनुष्य उनके द्वारा बताई गई 5 आवश्यकताओं में से निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। आलोचकों का विचार है कि मैस्लो ने पूर्व कल्पना की प्रयोगात्मक रूप से जांच कर नहीं दिखलाया है, बल्कि यह पूर्व कल्पना की थी कि व्यक्ति अनुक्रम के अगले स्तर जो नेक्स्ट लेवल हैं पर तभी पहुंचता है जब उसके ठीक पिछले स्तर की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है या प्राप्ति या पूर्ति हो जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि सबसे पहले निम्न स्तर की आवश्यकता की संतुष्टि के बाद ही उसमें तीसरी आवश्यकता की न उत्पन्न हो या चौथे स्तर की आवश्यकता उत्पन्न हो जाए। इस तथ्य से संतुष्टि विलियम्स एवं पेज के प्रयोगात्मक अध्ययन के द्वारा स्पष्ट हो चुका है। थर्ड पॉइंट है, मानवीय आवश्यकताओं का वर्णन जो मैस्लो ने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से समझाने और या बताने का प्रयास किया है, उनके आधार पर दैहिक तथा शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक आधारों को नहीं बतलाया गया। यदि हम उदाहरण के रूप में भूख की आवश्यकता को लेते हैं तो व्यक्ति की भूख की आवश्यकता होती है, परंतु किन किन शारीरिक परिवर्तनों से यह उत्पन्न होता है इसका कोई उल्लेख या वर्णन स्पष्टीकरण नहीं मिलता। फोर्थ पॉइंट होगा, मैस्लो ने अपने सिद्धांत के समर्थन में व्यक्तियों के मात्र केस इतिहास केस हिस्ट्री को प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसके लिए कोई प्रयोगात्मक एवं प्रमाण या सबूत नहीं दिया है, फलतः उनकी सिद्धांत की यह मान्यता उतनी अधिक नहीं है जितनी की होनी चाहिए। उपरोक्त विभिन्न प्रकार के द्वारा वर्णित इन जो आलोचनाओं हैं या कमियों हैं, इन आलोचनाओं के बावजूद भी मैस्लो का यह आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया, क्योंकि उनका सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो अभिप्रेरणा की व्याख्या करने में जो बायोलॉजिकल सोशल अर्थात जैविक सामाजिक एवं व्यवहार परक बिहेवियरल प्रभावों इम्पैक्ट को सम्मिलित करता है समाहित करता है प्रदर्शित करता है। इससे कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे बोरान ने 1992 में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को मानव अभिप्रेरणा के बीच संबंधों की व्याख्या करने का ना ही एक पूर्व कथन करने का कि अमुक समय में कौन सा प्रेरक या अभिप्रेरक अधिक प्रबल होगा या शक्तिशाली होगा, एक असाधारण सिद्धांत स्वीकार किया गया है। उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के मत मतांतरों के द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भी इस प्रकार से मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उल्लेख करते हुए सभी ने यह स्वीकार किया है, और अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में से
जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से यह विख्यात सिद्धांत है, सभी ने इनकी सराहना की है और आज ये शिक्षण के क्षेत्र में शैक्षिक निहितार्थ के संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 से फिर रिवीजन के वीडियो के रूप में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम रिवाड़ी को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद।